अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आज हम लोग बनाएंगे हाफ मून चिकन चीज सैंडविच। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज, चाहिए हमें एक प्याज चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए एक चम्मच, दो टमाटर मैंने मैश कर लिए हैं, चीज़ ले लिया मैंने, और ये मैंने धनिया काट के रख लिया, और जो चिकन है उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं वो कर लूँगी, चिकन को इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, उसके ऊपर सौते कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसको ब्रेड के ऊपर लगा के तो काट के उसको, तो फिर ये दो अदद अंडे लिए मैंने, इनको मैं फेंट लूँगी और अंडे लगा के तो फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे आराम से। ठीक है, चले जी, अब हम इनको करते हैं गर्म। उन मैंने इसमें ऑयल डाला, गर्म हो गया, अब उसमें ये मैं चिकन डाल रही हूँ। उसी में ये सारी चीजें जाएंगी, प्याज, लहसुन अदरक, टमाटर, इनको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून भर के किसी मिर्च ब्लैक, फिर उसमें डाल दूंगी मैं नमक, में वो भी हाफ स्पून डाल दूंगी, हाफ टेबल स्पून ही वो, बस इसमें अब कुछ नहीं जाएगा, बस ये चीज़ें डाल के इसको हल्का सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ना आए। अब हम उसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे ताकि वो पतली हो जाए और जब हम उसे रोल करें तो वो टूटे नहीं। अब इसके अंदर हम फिलिंग जो हमने अभी बनाई थी वो डालेंगे। उसके बाद चीज डाल लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसकी शेप बनाने के लिए कोई सा बॉल ले लें और उससे बाद में इसे कट कर लें ताकि उसकी हाफ मून वाली शेप आ जाए। ये बाकी एक्सेस पार्ट निकाल लें और ये हाफ मून शेप तैयार हो जाएगी। बस अब बाकी भी हम इसी तरीके से सारे बना लेंगे तरह ताकि ये खुले ना। अब इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। चलें जी, ये देखिए ऐसा कलर आ जाए तो इसको पलटा लें, इससे ज़्यादा कलर नहीं हमने करना, दूसरी साइड से भी अच्छा ही हो जाता है, फिर हम निकाल लेते हैं। चलें, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया। हमारे ये सैंडविच तैयार हो गया, मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।